न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आइए देखते हैं खबर दिल्ली एनसीआर से। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर सील होने के कारण कई तरह के व्यापार को नुकसान हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल मदनपुर डबास इलाके में नर्सरी के संचालक लाइक का है, जो फूलों और पौधों की बिक्री न होने की वजह से परेशान है। इस बारे में हमारी टीम से बातचीत करते हुए नर्सरी के संचालक ने बताया कि लगभग ढाई महीने पहले किसान आंदोलन शुरू होने के कारण दिल्ली के बॉर्डर सील हो चुके हैं। ऐसे में फूलों और पौधों की बिक्री थम सी गई है, क्योंकि उनके अधिकतर खरीदार हरियाणा के अलग अलग गांव से आते थे, लेकिन जब से बॉर्डर सील हुए तब से ना ही वह दिल्ली के बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई ग्राहक पौधों की खरीदारी करने आ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या बताया। हमें ये कहना है कि काम धाम है नहीं इस टाइम, अब हम तो दुखी हो चुके हैं, इसलिए कि सबसे मध्य लोग को दे मांगते हैं, पब्लिक आ जाने दी, अब बताओ क्या किया जाए भाई। बॉर्डर सील है ढाई महीने से, लोग हरियाणा से आते थे, तरह तरह के गांव के आते थे, अब इस टाइम पब्लिक आ जा नहीं रही, तो काम धाम है नहीं रही। वैसे तो मेरा दाल रोटी डगर जाती थी, अब इस टाइम तो बिल्कुल नहीं रही। ऐसे में वह अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे, यह एक गंभीर समस्या है। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहे एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।